बाकी शौकत भैया जो है वो देखें और खुश हो जाए। ऐसे उठाना पड़ता है और इसमें लगाना पड़ता है, ऐसे इसको ऐसे घुमाना पड़ता है। मगर ये याद रखना ना, ये मिर्ची क्यों एक जगह इकट्ठी, मगर ये पसीना देखें कैसे चल रहा है हमसे, आग चल गई अच्छे से। चलो चप्पल आप क्या करेंगे, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर हम चल के आए हैं, अब वापिस भी तो जाना है ना, वो भी तो सोचो। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं आया हूँ नमलन में, अब मैं चल रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर की ओर। बड़ा ही यहाँ पे ज़बरदस्त मज़ा है, बहुत ही अच्छा आ चुका हूँ मैं यहाँ से। इरफान साजिद और फैसल का थोड़ा सा व्यू लेता हूँ, ये देखें सामने, ये देखें माशाल्लाह क्या बनाया है। अकेला रहा हूँ ना, कितने सालों से खुद के लिए खुद बना रहा था, नहीं डाला है। हाँ, एक डब्बा पड़ा ना हवा हवा। मुझे ऊंचा रख ले, वेल डन सोन भाई, क्या चटनी है यार, बस हो चुकी है। देखें हमारी चिकन बारवी मस्त तरीके से साजिद भाई ने, फैसल भाई ने तैयार की और मस्त तरीके से इरफान भाई ने इसको बनाया। थैंक यू इरफान भाई, मस्त तरीके से खाऊंगा आप मैं इसको अच्छा जो भी, अब इसको मैं दबा दबा के खाऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ, भागू मैं, जाओ आप, बस आपको इतना ही चाहिए। नहीं नहीं यार, आपको लग रहा है आपको ये बंदा छोड़ेगा जो पसीना पूछ रहा है, ये जाने देगा। कैमरा पे मैं कुछ बोल नहीं सकता, कैमरा हटा, दुर्घटना घटी। चलो लाओ एक एक सारे, हां खास बात कौन का दो एक उधर खड़ रही तू, मेरे हाथ तू तो पूरा चिकन लगे, तू तो कुछ कट करने लगी, मुझको चटनी खाते और फोटो चाहिए भी इतनी मिट्टी। तो हम यहाँ कीचड़ बना रहे हैं, ये है ना, इसको क्या करना है, उसको क्या बोलते हैं यार उर्दू में, मिट्टी लगाने को लिमड़ा, मिट्टी की लेयर चढ़ा रहे हैं, ताकि ये खराब ना हो जाए, ताकि शौकत भैया जो है वो देखे और खुश हो जाए। बस इतनी काफी है अरमान,
इरफान, इरफान बस पतली बन गई यार। नहीं नहीं थोड़ी चाटना गारा नहीं चाटना सिर्फ मेरे पानी गारे वाली परत चाटनी है बस। यार ट्रैकिंग में ये चीजें सीखनी पड़ती हैं, ये चीजें सीखा करो। और पतला बनाओ। पतला बन गया यार। नहीं और पतला बनाओ। बस कर यार। हाँ बस ऐसे मिट्टी इरफान भाई खा के अब काम शाम नहीं करना है कुछ भी। खा के अब काम नहीं करना है कुछ भी। क्या काम रह गया मेरे भाई? हाँ क्या काम करना है? बस खत्म। सजू इसको क्या हुआ यहाँ? एक ही रह गई बाकी हाँ। इसके बाद हम देखते हैं कढ़ाई वाला सेक्शन कैसा रहेगा। अब मिलते हैं लंबे से ब्रेक के बाद। जितने भी यहाँ जंगल में घूमने के लिए आते हैं या जहाँ पे भी ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं, मैं उन सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ पे आएँ अपनी चीज़ों के साथ, अपना बैग साथ लाएँ। जितनी भी गंद है, जब वो यहाँ गंद पड़ती है तो वो एक काम करें, वो बैग एक साथ ला के तो पॉलीथीन जितने जमा करके या जला दें या घर वापस ले जाएँ। हाँ ये यहाँ पर सब हैं, हमारे इरफान भाई कुछ सोच रहे हैं। इरफान भाई क्या सोच रहे हो जनाब? क्या मजा है रिकॉर्डिंग करने के तुझे ही चाहे। जैसे इरफान भाई हैं और ये हम कांति बना रहे हैं। मैं जा रहा हूँ नीचे वाटरफॉल तक जाना है। चल जा जाओ आप, अब मैं यहीं पे हूँ। आप यहाँ रखोगे? हाँ मैं रखूँगा यहाँ। करना क्या है अभी? इसको कुछ नहीं करना मेरे आने तक। ये प्याज डाले? हाँ प्याज डाला। नहीं अभी नहीं, अगर इसको धुआं लग गया ना तो ये कांति जो है ये ख़राब हो जाएगी, इसलिए कोई सामान है नहीं तो फूकी लगा देते। चलो भाई खुदा यार धुआं लग गया यार। कुछ खाने के लिए कुछ खाना ही पड़ता है। कुछ खाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। पसीना देखें कैसे चल रहा है मुझे, अब आग जल गई अच्छे से। चलो हमारी जो कांति, अभी कांति में प्याज भी डालने। मेरे और तीन बंदे जो हैं, आधे दो जो गए हैं फोटोज उठाने के लिए, मैं घूम के आ गया। अब मैं इधर पर फोन जा रहा है घूमने के, तो मैं अब मैंने उसका चार्ज पकड़ लिया यहाँ पे। हाँ हाँ क्या धूप लगाने का एक अलग ही मजा आता है। फूके लगाओ फूकी क्या करे। इरफान घूम के आ गया। मुझे लगता है उसकी चप्पल कट गई है और चप्पल हाथ में उठा के चल रहा है। इरफान की शायद चप्पल जो है वो कट चुकी है और ये बंदा चप्पल हाथ में लेके आ रहा है। आप देखिए बंदा कुछ सोचते सोचते आ रहा है कि अब क्या किया जाए। मैं तो कम से कम हम 3-5 किलोमीटर चल के आए हैं यहाँ पे, तो अब इस जगह पे चप्पल कटना बहुत ही मुश्किल, कि यहाँ पे ठीक भी नहीं करवा सकते। और अब इरफान को मुझे लगता है ऐसे ही चलना पड़ेगा। इरफान जो है अपनी चप्पल दिखा रहा है मुझे। चप्पल ही काट गई यार। आप क्या करेंगे? कम से कम 3-4 किलोमीटर हम चल के आए हैं।
अब वापस भी तो जाना है ना, वो भी तो सोचो। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बिना चप्पल के वापस। चलो ये भी एक यार रहेगा, मगर चलोगे कैसे? फूट मार फूट। हाय इरफान भाई यार, तूने कुछ नहीं सीखा यार। पिछली बार कह रहे थे कि मुझे हो गए, बचपन से मैं बना रहा हूँ, ये सुन देख। बना तो रहा हूँ यार, लेकिन आग जलानी नहीं ना आती। आग जलाने के लिए होना चाहिए बंदा क्या? आप तो बोल रहे हो मैं ट्रैकिंग पर जाता हूँ, बचपन से जाता हूँ। मैं सिर्फ खाना खाता हूँ। जाते हो ट्रैकिंग पे कि खाते हो ट्रैकिंग पे जाकर? मैं खाता हूँ, ये है ना मेरा यार, ये इसको मैंने सिखाया है ना। हाँ, इसको मुझे नेटवर्क आ, इसको नेटवर्क आ गया। ओए कोई नया नंबर, एयरटेल को नया नंबर, एयरटेल को आयो सुनो। वाह भाई, मगर यार तू लांगरी लग रहा है यार, कसम से। तुम लोगों ने लांगरी बना दिया है तो लगूंगा नहीं भाई। मुझे बोलो सिर्फ खाना और टेस्ट। चल 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 चमचम आ। हाय, सब मेहनत मैंने की भाई, सारी मेहनत। तुम पता तू स्टैंड बाय भी रखे था, सब मेहनत मैंने की भाई। वेरी गुड चांद भाई। देखो भाई, इसमें कुछ खास चीज़ें हैं, इसमें कला होनी चाहिए, कला होनी चाहिए। यस, ये इंसान को आना चाहिए, आना चाहिए। आपको मैं आज सिखा रहा हूँ। चलो ठीक है, क्या करना पड़ता है इसको? क्या करना पड़ता है इसको? ये जो चाकू है ना, ये ऐसे उठाना पड़ता है और इसमें लगाना पड़ता है, ऐसे इसको ऐसे घुमाना पड़ता है। मगर ये याद रखना ना, ये मिर्ची क्यों एक जगह इकट्ठी? मगर ये याद रखना, ये जो है ना, ये लो चलो ये पकड़ो। एक चीज का याद रखो, ये जो है ना, ये कढ़ाई, ये शौकत भाईजान की है। नहीं, वो याद है हमें। अगर बंदे ने देखा ना कढ़ाई। साजिद, आपने एक और चीज नहीं देखी? इस भाई को आप जाना है क्या ऐसे चप्पल के बिना? ये कैसे कर रहे हो? वहां से जल गया, जल गया वहां से प्याज। देखो मुझे यहाँ कैमरा से दिखाई दे रहे हैं। ओए तैयार हो गया, देखो चल तुझे बटर खोल दे। प्रसाद रसम के पता नहीं, बटर भी डालना है क्या? चमचा भूल गया यार। हाय, ये रहा हमारा ट्रेकिंग का सफर। कितने बजे आए थे ना? सच में हम कितने बजे? हाँ अभी मैं इधर को पहुंची। आई थिंक शायद हम 4 बजे आए थे, 4, 5 और 6। तीन घंटे से हम खाली ये कुकिंग कर रहे हैं। एक बजे पहुंचे। कांति है वो तैयार हो चुकी है, कढ़ाई ऊपर चार खड़ा है। इरफान भाई सर्व कर रहे हैं, माशाल्लाह तेल बहुत डाल दिया हम लोगों ने। हाँ हाँ, बस यही तेल हमें लगता है आज, क्योंकि हम पतले हैं ना। तेल कितना है यार? फिर भी शुक्र करो अल्लाह का, यहाँ पे ये चीज़ भी मिल रही है। तेल बाकी का भाई, तेल बचा के रखो अगली कैंपिंग के लिए। मैं भी वही सोच रहा हूँ। तेल डोला